एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट आसिया। तो मैं लेके आई हूँ माई ग्लैम का न्यूली लॉन्च ब्लूबेरी कद्दू प्लम स्लीपिंग मास्क। इन्होंने अभी अभी इसको लॉन्च किया है। ये ऐसे कार्डबोर्ड में आता है, पर्पल कलर का है और ये इनका कहना है ये स्किन को हाइड्रेट रखेगा, ब्राइटनिंग करेगा। इसके सारे इंग्रेडिएंट कैसे यूज़ करना है सब इस कार्डबोर्ड में है। तो इस टाइम बज रहा है रात के 12:15 और मैं इसको अप्लाई करने जा रही हूँ। इनका ये कहना है कि अगर हम लोग जैसे नाइट केयर चीज़ रूटीन करते हैं वैसे ही हम लोग करें और इसको रात में मसाज करके जेंटली लगाए तो जो है हमारी स्किन बहुत रिफ़्रेश करेगी और अगले दिन हमें ये बहुत ही यंग दिखाएगी। तो मैं आज रात में इसको लगा के सोऊंगी और सुबह देखती हूँ कि मेरी स्किन कैसी होती है। इसका लाइव डेमो मैं आपको रात सुबह दूंगी कि मेरी स्किन सच्ची में अच्छी हुई है या नहीं हुई है। तो चलिए देखते हैं ये कित तो इसकी MRP है 499 की और क्वांटिटी है 50 ग्राम। ये एक स्लीपिंग मास्क है और ये इन्होंने माई ग्लैम वालों ने इसके लिए थाईलैंड वालों से कोलैबोरेशन किया है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं बॉक्स को। तो ये 50 ग्राम की ये शीशी है तो इसको ओपन करके देखते हैं। बाहर निकल रहा है टिंग टिंग टिंग। ये जेल फॉर्म में है, एक जेल फॉर्म में देख सकते हैं हल्का सा ये पर्पल लिया हुआ है। ये जेल फॉर्म में इनका कहना है कि इनको जेंटली हम लोग को मसाज करना है और इसको लगा के सो जाना है। तो उनको तो कहा है कि जैसे आप नाइट का रूटीन यूज़ करते हैं आप वैसे ही यूज़ करें, हर चीज़ के बाद इसको लगाएं। पर मैं आपको सजेशन दूंगी कि नहीं, हफ्ते में 2 ही बार लगाएं इसको, ज़्यादा यूज़ ना करें क्योंकि और भी नाइट केयर रूटीन होती है जैसे सीरम लगाना हुआ या कुछ भी लगाना हुआ तो फिर उसका इसका बेनिफिट आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, ना पता चल पाएगा कि कौन सी चीज़ आपको फेस पे सही कर रही है। तो मेरा मानना है कि आप इसको हफ्ते में 2 ही बार लगाइएगा। चलिए जेंटली मसाज करते हैं, उन्होंने बोला है जेल फॉर्म में तो चल जाना चाहिए 15 से 20 दिन। तो 2 ही बार हफ्ते में लगाऊंगी तो आराम से ही 1 मंथ चल जाएगा। अच्छे से इसको मसाज करना है ताकि ये एब्जॉर्ब हो जाए एकदम। खुशबू बहुत अच्छी ब्लूबेरी टाइप की आ रही है इसमें। ये कद्दू के प्लम से बना है ये। चलिए मैं आपके सामने अच्छी क्वांटिटी में लगा रही हूँ ताकि सुबह बता सकूँ कि मेरी स्किन कितनी हाइड्रेट हुई है, कितनी रिफ्रेशिंग हुई है और क्या ये मुझे यूथफुल दिखा रही है। बस इसको लगा के और अच्छे से मसाज करके सो जाना है और कुछ भी नहीं लगाना है। हल्की सी मुझे ना कुछ इचिंग टाइप की हो रही है, लाइट हल्की हल्की हो रही, ज़्यादा तो नहीं। पर इनका मानना है, कहना है कि ये पैचेस फ्री है, इन्होंने जो है इसको टेस्टेड किया हुआ है, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। ये जो है पैराबेन फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, मिनरल ऑयल फ्री है, सल्फाफेट फ्री है। बच्चों से इसको बचा के रखना है और फॉर स्किन डैट लुक रिफ्रेश एंड विजिबल यंगर द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो ये तो मैं आपको मॉर्निंग बताऊंगी कि दिख रही है कि नहीं। तो इस टाइम बजेंगे सुबह के 8:16। आप देखो तो मैंने रात भर स्लीपिंग मास्क लगा के रखा है। ये मेरा इसका रिज़ल्ट
अब मैं इसको अब मैं मुंह धोने जा रही हूँ, उसके बाद बताऊंगी कि ये कैसा है। तो आप देख सकते हो ग्लो भी है और जो है सॉफ्ट बहुत है, स्किन एकदम प्यारी प्यारी सी लग रही है, मॉर्निंग वाली स्किन बहुत प्यारी है। ये इसका फाइनल लुक देख सकते हो, बहुत यूथफुल लग रही है स्किन। हाँ तो थम्स अप है स्लीपिंग मास्क में, बहुत अच्छा स्लीपिंग मास्क ने जब एक बार में इतना बेनिफिट दिया है, जब मैं परमानेंट लगाने लगूंगी तो शायद बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो मेरे तरफ से थम्स अप है, आप ज़रूर से ज़रूर इसको बाय करें और एक बार ट्राई ज़रूर करें मेरे कहने से। अगर किसी दिन शादी फंक्शन में जाना है तो एक दिन पहले रात में लगा लें, सुबह आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देगा। तो आई होप आपको मेरा रिव्यू एंड लाइव डेमो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते ज़रूर जाइएगा और इसको एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, बहुत आपको मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जब मिलती हूँ आपके अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।